एग्जाम्स चल रहे हैं और हम लोग अपना क्लास में चीटिंग करने आए हैं। बगल वाले स्टूडेंट ने सारे आंसर्स लिख दिए शायद से, बट यार वहां तक हाथ पहुंचाकर उसकी शीट चुनाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। बीच में तीन फैन लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग आगे के दो बेंच से जाएंगे और ये ले थीफ फजल में हर टाइप की चोरी हो जाएगी भाई। बच्चे की पूरी आंसर शीट ही ले आए। यहाँ पर कोई गाना गा रहा है और ऊपर वाले फ्लोर वाला बंदा परेशान हो रहा है, तो हमें शायद से इससे माइक छीनना है। यस, तो अपना हाथ जाएगा यू, क्योंकि बीच में इसने कुत्ते बैठा रखे हैं। फिर जाएगा हाथ यूं और फिर नहीं नहीं यार वेट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दोबारा से ट्राई करते हैं। अपना हाथ पहले जाएगा यूं, यहाँ पर फैन है इसलिए सीधा मतलब लेफ्ट नहीं ले जा सकते, हमें सीधा नीचे ले जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा अपना हाथ, फिर ऊपर जाएगा, फिर हम लोग आएंगे इसके माइक के पास। परफेक्ट, हो गया भाई माइक चोरी, अभी गाना नहीं गा पाएगा। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं थीफ पॉजल। मुझे शायद से इस बंदे का क्राउन चुराना है, पर ये स्मोक का क्या मतलब है बीच में जो आ रहा है, अगर मैं अपना हाथ डायरेक्ट तेरी भैंस की लात मारी है उसके गार्ड ने, शायद से जब वो फोग आता है ना मुझे तब चुराना है। ला भाई दे इधर। इजी, सामने वाला बंदा अपना फुल सेल्फी लेने में बिजी हो रखा है और हमें इसका ब्रीफ केस चुराना है, जो कि बहुत सिंपल है। यूं जाकर आई ओपे भाई, ये तो थोड़ा डेंजरस निकला। ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा हाथ उसकी बॉडी से टच ना होए, वरना उसे पता चल जाएगा हम लोग चोरी कर रहे हैं। तो इस बारी में अपने हाथ को भेजूंगा फायर हाइड्रेंट के पीछे से और शायद उसके पैर पे। भाई ये कितना गलत आदमी है, टक्कर मार रहा है सांड की तरह। अभी यहां से नहीं, बलून है ऊपर, इस बलून से भाई, बलून से भी एक सेकेंड भाई, पूरा पीछे टोक्यो टावर के ऊपर से हाथ आया। ले भाई लेट्स गो। ये कुछ ज्यादा खतरनाक चोरी थी। सामने शायद से कोई लड़की बैठ के गाने सुन रही है और मुझे इसकी बॉल चुरानी है, तो अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से क्यों ले जा रहा हूँ, सिंपल नहीं नहीं नहीं, ये क्रह पा रहा है बीच में, अरे हट, अबे यार ये ले, काट लिया उसने। दोबारा ट्राई, मुझे अपने हाथ को उस तरफ से नहीं ले जाना वरना केकड़ा काट लेगा। इधर से मैं शायद से इजिली चुरा सकता हूँ। वेट वेट वेट, लेवल 8 थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, बस की चुरानी है, मैं चुपचाप चुरा के ले आता हूँ, बट शायद जिस तरीके से मैं कहूँ मेरे हाथ पे ये पानी लग जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना, वेट मैं पीछे से शायद से जाकर की चुरा सकता हूँ और इस बारी थोड़ा इजी है। इजी, सामने मुझे फूल चुराना है भाई, वो अच्छा खासा बेचारा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है बट हमें फूड। एक सेकेंड, ये क्या मजाक है भाई, अगर मैं अपना हाथ ऐसे ले जाऊंगा तो शायद वो जाली पटक जाएगा, इसलिए मुझे अपना हाथ यूं ले जाना पड़ेगा, फिर यूं लाकर फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं थोड़ा सा चोरी को, फिर यूं लाना है, फिर उसके बाद यूं ले जाकर, फिर यूं करना पड़ेगा, फिर यूं आना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे आना है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ओ नहीं, हैंड की लिमिट है, फिर उसके बाद इनका फूल चोरी करना। अभी देखना ये क्या हो रहा है यार, आ गया चोरी, कॉम्प्लिकेटेड चोरी, उसके थप्पड़ी मार दे लड़की ने बेचारे। मुझे क्या चुराना है, प्याज चुरानी है भाई, ये स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है भाई, बट शायद से वो हमें प्याज किसी से बचने के लिए चुरानी है, कोई तो डीमन वीमन है। लेट्स गो, होगी प्याज चोरी, आजा भाई ले, अब बोल फालतू मर गया। एक UFO है, उससे कोई लड़की नीचे गिर रही है भाई, पता नहीं कैसे, उसे हमें बचाना है क्या, वेट डायरेक्ट हाथ जाएगा तो करंट, एक सेकंड, ये बहुत खतरनाक काम है भाई, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना हाथ जाएगा यूं मून पे, तीन यहाँ पर चक्री मारेगा, चार कर देते हैं कोई बात नहीं, जितना मन कर रहा है उतनी करेंगे, फिर उसके बाद लड़की को ऐसे पकड़ लेंगे। अभी देखना ये सीधा लिया, अबे फिर से करंट लग गया, इस बार ही कैसे करंट लग गया मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं अपने हाथ को अब यूं ले जाऊं तो नहीं यार, तो भी करंट आई रखो तो यार, हाथ को यार ले जाना तो देखो मून सही है जितना मेरे को समझ आ रहा है, यहाँ से अगर जाएगा हाथ तो ही कुछ होएगा, बट इस बारी ट्राई करते हैं, शायद इस बारी बच गए। यहाँ पर मुझे भाई चोर से चोरी करनी है, वो बैंक से कुछ चुरा कर आ रहा है और मैं उससे चोरी करूंगा। ठीक है, अपने हाथ को मान लो यहाँ से मैं भेजू तो क्या मैं इजी, चोर से चोरी करना ज्यादा आसान था भाई, पुलिस उसको पकड़ के लेगी, पैसा अपने पास। यहाँ पर एक बंदा गिफ्ट लेके कहीं पर तो जा रहा है और बीच सड़क पे ये कांटा कौन लगाता है भाई, मेरा हाथ जाएगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है। रुको 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 रुको, ये चोरी हो सकती है, अबे नहीं हो सकती है, इतना तो समझ आ गया, हाथ शायद मेरा इस तरफ से जाना चाहिए, हो गया, इस बारी हो गई, टाइमिंग का सीन था। सामने जो बंदा है मुझे बस इससे की चुरानी है, जो कि मुझे बहुत सिंपल लग रही है, दरवाजे के ऊपर से हाथ जाएगा और की को पकड़ लेते हैं। ओह वेट, मुंह पे दरवाजा मार दिया इसने बदतमीज, शायद से मैं सही चोरी कर रहा हूँ, बस मुझे ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी से हाथ टच ना हो, बस इतने में हो जाएगा। यस, इजी चोरी थी, चले उसके मुंह पे दरवाजा खोल दिया गुस्से में। बाकी यहाँ पर ही तो सिम, ओ तेरी, एक सेकेंड, अभी मैं आ चुका हूँ डायमंड चुराने और मुझे बहुत आसान लग रहा था, मैंने डायरेक्ट हाथ डाल दिया, बाद में देखा बीच में लेजर थी भाई, मैं जस्ट अभी बोला ही था कि चोरियां बहुत आसान हो गई और अभी ऐसी आ गया कि समझ नहीं आ रहा। वेट अ सेकेंड, क्या मैं अपना हाथ इसके पीछे से डाल सकता हूँ, यस
हर चोरी में कहीं ना कहीं आसान रास्ता तो है। यहाँ पर क्या चल रहा है, एक ज़ॉम्बी है सामने और मुझे उस दरवाजे को तक जाना है या गेट खोलना है। एक सेकेंड, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे डाल दूँ तो हो जाएगा? ओह नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे डाल दूँ तो शायद से हो जाना चाहिए। यस, दरवाजा खोल दिया, ज़ॉम्बी बाहर चले जाएगा। सामने कोई डॉग है, बीच में जालियां लगी हुई और मुझे उस डॉग से पैसा चुरा कर लाना है। और अगर मैं अपने हाथ को यूं डाल दूंगा तो शायद से कुत्ता मेरे हाथ को नहीं काटेगा। यस, बच गया मैं। एक बंदा आराम से गाने सुनते सुनते सो रहा है, मुझे उसका केक चुरा कर लाना है। पर बीच में ना पंखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पंखड़ियों में भिड़ सकता। लगी ऐसे नहीं करना, मुझे पंखड़ियों से बच के जाना है। वेट, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ डालूंगा तो वेट, समझा, पहले हाथ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर केक आएगा। भाई ये अच्छा लेवल था। यहाँ पर मुझे क्या पैसों का डब्बा चुराना है, वो भी एक पायरेट से। भाई अगर उसे पता चल गया मारेगा बहुत। अगर ठीक है, यहाँ पर कैंडल है, शायद कैंडल से मेरा हाथ जल सकता है। मैं TNT के उधर से, ओ भाई TNT ब्लास्ट हो गए जी। भाई मैं, मेरा हाथ फिर शायद यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला TNT नहीं यार, ये भी तो ब्लास्ट हो सकता है। अगर मैं ऐसे ले जाऊं तो शायद अपना काम हो जाएगा। यस, मुझे फिर से एक पायरेट से खजाना चुराना है, बट बीच में से शार्क कूद कूद के आ रही है। ठीक है, मैंने देख लिया, वरना मैं डायरेक्ट हाथ डालने वाला था। भाई देखिए, काइट है ऊपर, एक पतंग का सहारा लिया हमने चोरी करने के लिए। इजी चोरी होगी ये तो वापस से। हमें एक पुलिस वाले ने जेल में बंद कर रखा है और शायद से वो फोन पे किसी से बात चैट वैट करने में बिजी है, बट उसके डॉग का पूरा ध्यान है हमें काटने के लिए। तो मुझे थोड़ा बहुत संभल के जाना है। क्या अगर मैं ऊपर से हाथ डाल दूं और यहाँ से ऐसे चोरी कर लूं तो? यस, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे करना क्या है, सामने एक लड़की खड़ी हुई है, उसका एक बैग चोरी करना है, बट बीच में ये इलेक्ट्रिक का क्या सीन है? ओ करंट लगेगा, ठीक है। हाँ मतलब पता था लगेगा, बट फिर भी उनको ऐसे लगा ट्राई करना चाहिए, बट ये चोरी तो इजी थी वैसे। क्या करना क्या है इसमें, शायद से मुझे कोई अबे तेरी, मुझे बटन दबाना है। ये क्या है, ये लो ऊपर से दब जाएगा ये तो फिर इजीली। क्या सीन था ये, लड़की वहां पर बैठी है और बीच में शायद से ग्रेवयार्ड में से ज़ॉम्बी के हैंड निकल रहे हैं, मुझे उसे पकड़ कर इधर लाना है। पहले हाथ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये ले आ जा, चल इजी। मुझे एक पेंटिंग चुरानी है और बीच रास्ते में दो लेजर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट शायद मैं कर सकता हूँ इसे। यहाँ पर ऐसे अगर हाथ जाए और यहाँ से हाथ जाए, यार ये तो इजी था, इसमें कुछ सोचने वाला है ही नहीं, शायद हो जाएगा ये सिंपल। दो दो गाड़ियां जा रही है और सामने करना क्या है? अच्छा अभी मैं पुलिस वाला बन गया क्या? वेट, चोर को पकड़ना है हमें। इधर तेरी भैंस की, चल इधर। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से अलग लेकर आए हैं भाई ये थीफ फजल में। अचानक से हम लोग पुलिस कैसे बन गए थे, लेकिन ये नहीं समझ आया। सामने एक गुंडा एक बच्चे को तंग कर रहा है और हमें उसका बैट छीनना है। छीन ले, आजा, अब क्या तंग, अब वो पीटेगा इसे। बीच बीच में दो डॉग्स और हमें अपना हाथ ले जाना है। ये इजी है, यहाँ से जाएगा हाथ, बट नहीं, ये कुत्ता काट ना ले यार, मैं आराम से गया हूँ आई थिंक। उसके लग गई यार छी। वेट, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से ले जाऊँ और यहाँ से इधर करके पीछे से उठाऊं तो हो जाएगा शायद। ये वाला अच्छा था, उसकी गाड़ी चुरा ली बेचारे की। बीच में बहुत सारे TNT हैं और मुझे खजाने का डब्बा लेना है और TNT पे हाथ नहीं लगना चाहिए, जो कि बहुत इजी है। बस ये हो गया, लेट्स गो। यहाँ पर क्या करना है, किसी, अच्छा बैठे, ये यहाँ पर पार्टी शार्टी करने आया हुआ एक लड़का, लेकिन इसने शायद सर पे विग लगा रखी है। वैसे हाँ यार, ये गलत बात है, मैं उसकी विग हटा देंगे और उसकी बेइज्जती हो जाएगी सबके आगे, बट ठीक है। इधर दे बे। अब ये गंजा हो गया, इसके थप्पड़ सा पड़ेगा। अच्छा कुछ नहीं हुआ, ऐसा शर्मा आ गया। यहाँ पर एक बंदा अपना मस्त पूल में नहा रहा है और हमें इसके कपड़े चुरा। भाई क्या हो गया भाई, चोरी का स्टैंडर्ड सच में गिर गया भाई इसका तो। ला भाई ला कपड़े दे इधर। अभी उसके साथ क्या होने वाला है। अभी एक बंदा बीच पे आराम से सो रहा है, थोड़े बहुत केकड़े, और हमें इसका छाता चुराना है क्योंकि हमें भी गर्मी लग रही है। भाई ठीक है यार, इतने पैसे वैसे चुराए तो उन पैसों से तो खरीद नहीं पाएगा, इसका चुरा के ही हम लोग बचेंगे। लेट्स गो।